आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कोरोना को लेकर जनता का कर्फ्यू, कुछ दूरियों से दूर होगा कोरोना वायरस। प्रधानमंत्री की लोगों से अपील, सही सूचनाएं शेयर करें और खौफ न फैलाएं। मध्य प्रदेश में कोरोना की दहशत, जबलपुर में मिले कोरोना से संक्रमित 4 लोग। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय की पहल, अन्य क्षेत्र खोला, फोन से मिलेगा भोजन। और कहीं मास्क तो कहीं सैनिटाइजर बांटे गए, लोगों में जागरूकता अभियान। नमस्कार, मैं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। थोड़ी सी दूरियां कोरोना वायरस को आपसे दूर रख सकती हैं। ऐसे में एक तरफ जनता कर्फ्यू है तो दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस को लेकर सही सूचनाएं ही शेयर करें और गलत तरीके से खौफ ना फैलाएं। पीएम ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कहा कि लोग कोरोना वायरस पर सही सूचना साझा करें और गलत पैनिक फैलाने से बचें। पीएम ने कहा कि लोगों को सही सूचना देने के लिए भारत सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। पीएम ने कहा कि इस नंबर के जरिए लोग सही और भारत सरकार द्वारा प्रमाणित जानकारी हासिल कर सकेंगे। देश की जनता ने स्वस्थ रहने के लिए जनता कर्फ्यू का समर्थन करके कर्फ्यू शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस को लेकर सही सूचनाएं ही शेयर करें और गलत तरीके से खौफ ना फैलाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 9190131515 नंबर संदेश भेजकर इस सेवा से जुड़ा जा सकता है। पीएम मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की तारीफ की है और पीएम ने कहा कि ट्विटर ने COVID-19 नाम का एक विशेष पेज लॉन्च किया है। इस पर कोरोना वायरस को लेकर प्रमाणित सूचना पाई जा सकती है। प्रधानमंत्री ने गूगल की तारीफ करते हुए कहा कि ये टेक कंपनी भी अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लोगों को जागरूक कर पा रही है। गूगल ने कोरोना से जागरूक करने के लिए 5 चीजें करने को कहा है। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। सभी सरकारें आम लोगों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने को कह रही हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के 50 नए मामले सामने आने के बाद ये संख्या 350 के आसपास हो गई है, जबकि संक्रमितों के संपर्क में आने वाले 6,700 से अधिक लोगों की कड़ी निगरानी में रखा गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का पहला मामला जबलपुर से सामने आया है, जहां विदेश से लौटे 4 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है और इनसे मिलने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। जबलपुर में दुबई से लौटे शहर के एक सराफा व्यापारी के परिवार के 3 लोग कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा चौथा मरीज सिविल लाइन का है, जो स्विट्जरलैंड से आया है। कोरोना संक्रमित लोगों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। बताया जा रहा है कि मरीजों को रिपोर्ट की जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके कारण भर्ती होने के बाद भी मरीज अस्पताल के बाहर दुकानों पर घूमते रहे। प्रशासन ने उन लोगों की भी जानकारी जुटानी शुरू कर दी है जो इन मरीजों के संपर्क में आए थे। बताया जा रहा है कि आभूषण कारोबारी के प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या करीब 150 है। घर में भी कई सदस्य एक साथ निवास करते हैं। रोजाना सैकड़ों ग्राहकों का आना जाना रहता है। ट्रेन के जिस डिब्बे में उन्होंने यात्रा की थी, उसमें सवार अन्य यात्रियों की जानकारी लेकर उन्हें भी ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। वे जिन शहरों के निवासी हैं, वहां प्रशासन को जानकारी देकर उन्हें भी आइसोलेट कराया जाएगा। पुलिस ने देर रात तक ऐसे लोगों की सूची तैयार कर ली थी जो संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हैं। उधर सराफा व्यापारी का परिवार कोरोना संक्रमित होने की खबर मिलते ही सराफा एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया गया है कि तत्कालिक रूप से शनिवार से लेकर मंगलवार तक सराफा बाजार पूर्णतः बंद रहेगा। प्रदेश में
कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार खुद सुरक्षित रहें और परिवार को भी सुरक्षित रखें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकले। परिवार में यदि कोई सर्दी खांसी का मरीज है तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर की सलाह पर ही दवाई लें। चार संदिग्ध पॉजिटिव आए हैं लेकिन उनका नाम किसी भी कंडीशन पर डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कोई उनकी फोटो ना खींचे, ना ही उनकी कोई इस तरह की वो करे। उनका इलाज किया जा रहा है, उनको मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करके उनका इलाज किया। मेरा आप लोगों से कहना है कि शहर वालों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी हम ट्रेसिंग कर रहे हैं। हम शहर में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जल्दी से कंटेन कर लेंगे, आया ज़रूर है, हमारी पूरी कोशिश है। हमारी पूरी टीम लगी है, 16 टीमें लगातार इस पर काम कर रही हैं। मेरा शहरवासियों से कहना है कि अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, ज़्यादा लोग भीड़ में ना जाएं। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई भी ऐसे कार्यक्रम है उनको इसी वक्त आज शाम को 7 बजे से रद्द कर दिया गया। किसी भी शादी की भी अनुमति हम नहीं दे रहे हैं। और हमारा सभी जनता से कहना है कि कम से कम आपस में एक दूसरे से मिलें, केवल ज़रूरी काम के लिए जाएं। जितना काम घर से कर सकते हैं उतना करें। उसके अलावा मैं चाहता हूं कि सब लोग पानी खूब पिए, भोजन करके निकलें अगर एक दूसरे से मिलते हैं। और अगर किसी को आपको ऐसा लगता है कि किसी को भी खांसी हो तो अपने जेब में मास्क रख के उनको दें। ज़्यादा से कम दिन में 10 बार हाथ धोएं, आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं, क्राउडेड एरिया में जाते हैं, तो आप मास्क पहनें। अदरवाइज रूटीनली आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं। कोरोना के कारण लगभग सभी बाजार बंद हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसे में खाने का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में इंदौर में अन्य क्षेत्र खोल दिया गया है जहां फोन कर भोजन प्राप्त किया जा सकता है। इंदौर में गरीबों के लिए अन्य क्षेत्र खोल दिया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, इस परीक्षा की घड़ी में जिसके पास भोजन का इंतजाम नहीं है वो सिद्धेश्वर धाम में फोन कर भोजन प्राप्त कर सकता है। विजयवर्गीय ने इसके लिए एक नंबर भी जारी किया है। उनकी टीम का प्रत्येक सदस्य एक व्यक्ति के भोजन की व्यवस्था कर रहा है। इंदौर में किसी को भोजन प्राप्ति के कोई दिक्कत हो तो फोन करें, उनकी उचित मदद की जाएगी। नमस्कार। सारी दुनिया के अंदर कोरोना के कारण एक भय है, एक डर है, पर हमें डरना नहीं, इसे लड़ना है। निश्चित रूप से इंदौर शहर में भी सतर्कता के लिए मॉल बंद है, सिनेमा बंद है, चप्पन दुकान बंद है, सरेफा बंद है। इस बंदी के कारण रोज कमाने वाले और रोज खाने वाले लोगों के लिए समस्या पैदा हो गई है। मैं देख रहा हूँ कई टैक्सी वाले जिनका व्यवसाय 10% 20% है, वो क्या खाएंगे। हम इंदौर के वासी, हमारी जवाबदारी है कि इंदौर में कोई भूखा नहीं सो। पितृश्वर धाम, पितृश्वर हनुमान मंदिर के माध्यम से हम लोग ऐसे लोगों को जिनके घर में खाने को नहीं है, इस कोरोना के दौरान हम भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। हमारा दायित्व है। मैं इंदौर नगर के नागरिकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे शहर में कोई भूखा नहीं सोए, हम सबकी जवाबदारी है। हम भोजन बनाते हैं, एक व्यक्ति का अतिरिक्त भोजन बनाकर ऐसे व्यक्ति तक पहुँचाएँ जो इस कोरोना की मंदी के कारण अभाव महसूस कर रहा है। मुझे उम्मीद है हम सब अपनी जवाबदारी को महसूस करेंगे। पितृश्वर हनुमान धाम इन सब की व्यवस्था करेगा। यहाँ पर हमारे प्रमुख कार्यकर्ता महेश दलोद्रा जी जो इस सारी व्यवस्था को देखेंगे। उनका नंबर है 9826014424, 9826014424। कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति यदि धन अभाव के कारण भूखा सो रहा हो तो इस नंबर पर कॉल करें, हम भोजन की व्यवस्था करेंगे। जबलपुर में कोरोना के मरीज की पुष्टि होने के बाद टीकमगढ़ जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। टीकमगढ़ में अस्पतालों का जायजा लेने दखल न्यूज की टीम पहुंची, जहां अभी तक कोई मरीज कोरोना से पीड़ित नहीं मिला है। कोरोना से निपटने के लिए जिला और अस्पताल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना के मरीज मिलने से आसपास के जिलों में प्रशासन अलर्ट हो गया है। टीकमगढ़ में दखल न्यूज की टीम ने रात में जिला अस्पताल में जाकर प्रशासन की कोरोना को लेकर तैयारी का जायजा लिया। इस संबंध में रात 11:30 बजे 3 धाम यात्रा से लौटी तीर्थ यात्रियों की एक बस के सभी यात्रियों का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण किया गया, जिसमें कोई भी तीर्थ यात्री किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित नहीं पाया गया। प्रशासन ने एहतियातन जरूरी कदम उठाते हुए सभी के मोबाइल नंबर ले लिए हैं और तीर्थ यात्रियों को कुछ दिनों तक आइसोलेटेड में रहने के लिए कहा गया है। टीकमगढ़ SDM से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिला
प्रशासन अभी हाई अलर्ट पर है। जैसे कि आपको जानकारी है कि मध्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है और कुछ नए पॉजिटिव मरीज आने की सूचना प्राप्त हुई है। तो हमें अभी सूचना प्राप्त हुई कि कुछ तीर्थयात्री जो 3-4 राज्यों की यात्रा करके यहाँ पे आए हुए हैं और हम उनका कहेंगे बीच में क्योंकि उनमें संख्या काफ़ी मात्रा है 50 लोग हैं, तो प्रशासन ने तुरंत व्यवस्था कराई है, उनके साथ चेकअप कराएंगे। चेकअप कराने के बाद जो भी होगा, अभी तो फिलहाल उनको अगले 14 दिनों तक हम निगरानी में रखेंगे और जांच रिपोर्ट जैसे भी आएगी उसके हिसाब से हम आगामी कदम उठाएंगे। डिप्टी कलेक्टर सौरभ मिश्रा से बात की गई, जिन्हें कलेक्टर ने अस्पताल का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि हम तमाम परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी परेशानी से निपटने के लिए तत्पर हैं। टीआई अनिल मौर्य ने बताया कि प्रशासन किसी भी प्रकार से इस भयानक वायरस से लोगों को जागरूक कर रहा है और कैसे बचें उसके लिए प्रशासन लगातार लोगों को विज्ञापन के माध्यम से बता भी रहा है। महोदय के द्वारा मुझे नोडल अधिकारी स्वास्थ्य बताया कि बनाया गया है और अभी जो डिस्ट्रिक्ट की टास्क फोर्स है उसमें भी मुझे मेंबर बनाया गया है। तो उसके तहत जैसे ही हमें जानकारी मिली, ये एक कौन है भैया, हम यात्रा से कुछ लौटे हुए अपने यहाँ के यात्री हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं पाई गई है। फिर भी जो WHO के और हमारे स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइंस हैं, जो एडवाइजरी है, उसके हिसाब से उनकी जाँच की जा रही है। और जैसे ही यदि कोई ऐसा पेशेंट मिला जिसको हमें आगे की कार्रवाई के लिए या क्वारंटाइन करना है, आइसोलेट करना है, तो हम बिल्कुल करेंगे। उसके लिए डॉक्टर्स की टीम तैयार है, पुलिस प्रशासन सब साथ में है और हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोग कम से कम बाहर निकलें। लोगों को आज माइक पे शहर में अनाउंस भी किया गया है, 22 तारीख को भी पुलिस का ये प्रयास है प्रशासन का कि लोग कम से कम या नहीं निकलें और दुकानें भी लगभग बाजार की बंद रहें। कम से कम 14 घंटे का वो जो 22 तारीख को बंद करने का प्रधानमंत्री जी की योजना है उसका पालन सबसे हर नागरिक करे और वो लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। छतरपुर जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दुबई से लौटे एक छात्र को रखा गया है तो एक अन्य खांसी से पीड़ित मरीज को भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय पथौरिया ने बताया कि जिला अस्पताल में एक 26 वर्षीय इंजीनियर पिछले 3 दिनों से भर्ती है। उक्त युवक जर्मनी से लौटा था, फिलहाल उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। इस तरह अब तक 3 कोरोना संदिग्ध अस्पताल में पहुंच चुके हैं। छतरपुर में गुरुवार को भी 2 नए संदिग्ध जिला अस्पताल में लाए गए। परवारी मोहल्ले में रहने वाले एक जैन परिवार का बेटा दुबई में पढ़ाई के सिलसिले में गया था। 9 मार्च को वो भारत लौटा और भोपाल होते हुए 2 दिन पहले छतरपुर आया था। उक्त युवक के द्वारा सर्दी जुकाम के लक्षण बताए गए हैं जिसके संदेह में उसे फिलहाल आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया है। चिकित्सकों के अनुसार उक्त तीनों को सिर्फ सर्दी जुकाम है, बुखार नहीं है। तीनों की हालत सामान्य है, फिर भी एहतियात के तौर पर इन्हें आइसोलेटेड किया गया है। दिल्ली से लौटे एक अन्य युवक को खांसी आई तो उसे भर्ती कराया गया। चंदला क्षेत्र के हिनोता गाँव में स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ी के द्वारा इस युवक को पकड़ा गया। उक्त युवक राजनगर क्षेत्र के ग्राम सिमरा का रहने वाला है। बताया गया कि उक्त युवक को दिल्ली में कोरोना जैसे लक्षणों के कारण क्वारंटाइन यानी चिकित्सक की निगरानी में रखा गया था, जहां से वो युवक भाग के आ गया था। ये युवक पहले अपने गांव सिमरा गया और उसके बाद हिनोता में एक रिश्तेदार के यहां था। यहां लोगों को इस बात की भनक लग गई कि वो दिल्ली से आया है, जिसके बाद उसे स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पकड़ा गया। पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से उसे चंदला स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हमने गाड़ी को कम से कम 5-6 बार कॉल किया है, गाड़ी अवेलेबल ना होने के कारण वो नहीं गाड़ी आ पाई हमारे पास जी सर। और उनका परिजन भी कोई यहां पर साथ में नहीं है। हम संबंधित गाँव में सूचना दे चुके हैं बाई टेलीफोन, बट कोई यहाँ पर आने को तैयार ही नहीं। बोल रहे हैं कि अभी हमें टाइम नहीं है या नहीं है, ऐसी स्थिति बनी पड़ी है। उसका संबंधित व्यक्ति कोई उसके साथ भी नहीं है और अभी उसको कोरोना अपन कह नहीं सकते, सस्पेक्टेड है, जांच हेतु अपन छतरपुर भेज रहे हैं। समय है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है। नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो रियली डैडी बने हो। देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना क्योंकि हमने पहले ले ली LIC।
घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लय खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा। वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। छिंदवाड़ा में कोरोना वायरस की अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस व्यक्ति ने एक क्लिनिक के बाहर कोरोना वायरस को लेकर गलत अफवाह फैलाई थी, जिसके बाद इस पर कार्रवाई की गई। छिंदवाड़ा के परासिया में एक व्यक्ति को कोरोना वायरस को लेकर अफवाह फैलाना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि बत्रा क्लिनिक पर एक व्यक्ति ने कोरोना वायरस को लेकर गुमशुदा आदमी का पर्चा लगा दिया, जिससे शहर में खौफ बैठ गया। जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये किसी व्यक्ति द्वारा फैलाई हुई अफवाह थी और गलत पर्चा लगा दिया गया था। अब वह फैलाने वाले व्यक्ति को पुलिस हिरासत में ले ली है। गौरतलब है कि प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरती जा रही है और अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कि व्हाट्सएप पे एक न्यूज वायरल हुई, अंकुर बत्रा हॉस्पिटल है उसके बोर्ड पर एक पर्ची चिपकी हुई थी जिसमें लिखा था कि रवि साहने निवासी बड़कुई है, कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है और ये नागपुर अस्पताल से फरार हो गया। जैसे ही ये वायरल हुई न्यूज, लगातार लोगों की हमारे पास लगातार फोन आने लगे कि ये व्यक्ति क्या है, कौन है, कहाँ का है। इसको हमने गंभीरता से लेते हुए बड़कुई पहुंचे, वहां इस नाम के व्यक्ति की पूरी तलाश की गई सरगर्मी के साथ, परंतु इस नाम का कोई व्यक्ति वहां पर नहीं मिला। फिर इसकी हमने सत्यता पता लगाने के लिए अपनी टीम को भेजा अंकुर अस्पताल। वहां पता चला कि एक पवन यादव नाम का एक्सरे टेक्नीशियन है, उसने ऐसे ही अफवाह फैलाने के लिए एक पर्ची में लिखकर कि रवि साहने बड़कुई का रहने वाला है और उसको कोरोना वायरस हो गया है और वो भाग गया है वहां से, अफवाह फैलाने के जुर्म में उसको हमने तत्काल गिरफ्तार किया है और उसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। इसके साथ ही मेरी आम जनता से अपील है कि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, सभी लोग इस चीज को लेकर काफी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं। तो आम जन से मैं ये अपील करता हूं कि कृपया इस प्रकार की कोई भी भ्रामक जानकारी या अफवाह न फैलाएं, जिससे कि भय का वातावरण निर्मित हो और फिर स्थितियां काबू से बाहर हो जाए। हमारा पूरा देश कोरोना वायरस के द्वितीय चरण से जूझ रहा है, ऐसे में मैं समस्त नगरवासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये जो हमारे सामने एक आपदा उत्पन्न हुई है, इससे बचने के लिए जो सावधानियां WHO या भारत शासन या मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी की गई हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करें। सबसे ज़रूरी ये है कि हम भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा बार हाथ धोएं, प्रयास हमारा ये हो सैनिटाइज का भी हम प्रयोग करें, और अगर मार्केट में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आज हमारे द्वारा यहाँ नगरवासियों से ये भी अपील की गई है, प्रदर्शन भी किया गया है किस तरह से रूमाल का प्रयोग करके हम मास्क बना सकते हैं या स्प्रिट और अन्य कुछ पदार्थों के प्रयोग से सैनिटाइजर बना सकते हैं, जिससे कि कोई मेडिकल दुकान वाला आम लोगों के साथ किसी प्रकार की चीटिंग ना कर सके। शहर में मेरे द्वारा शीघ्र ही व्यापारियों की भी बैठक ली जा रही है कि किसी प्रकार की कालाबाजारी को यहाँ पर बढ़ावा ना मिले। लोगों से भी मेरी अपील है कि आपदा समसामयिक है और शीघ्र ही इसका हल निकलेगा। सिवनी में मातृशक्ति संगठन यूथ विंग समर्पण युवा संगठन ने कोरोना वायरस से सतर्क रहने की अपील करते हुए नगर का भ्रमण किया एवं आम जनमानस से आग्रह किया कि कोरोना वायरस से डरना नहीं है बल्कि सजग और सावधान रहना है।
सर्वप्रथम संगठन ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि इस महामारी से विश्व की रक्षा करें। संगठन में बस स्टैंड, नगरपालिका, फ्रूट मार्केट, सब्जी मंडी, दुर्गा चौक, बुधवारी बाजारा, नेहरू नगर, शुक्रवारी चौक, छोटी मस्जिद चौक होते हुए नगर के हृदय स्थल बाहुबली चौक तक कोरोना जागरूकता अभियान चलाया। सबको समझाइश दी गई कि बार बार हाथ धोएं, सर्दी खांसी बुखार होने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें, भीड़ वाले स्थान पर जाने से बचें, फेस मास्क का प्रयोग करें, ताजा गर्म भोजन ग्रहण करें। संगठन के सदस्यों ने अपने हाथ से बनाए मास्क का वितरण अपने घरों में भली भांति सैनिटाइज करके किया। संगठन अध्यक्ष सीमा चौहान ने प्रशासन से अपील करते हुए मांग की है कि मास्क का कालाबाजारी रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। कोरोना वायरस का असर अब अदालत में भी देखने को मिल रहा है। अदालतों में भी भीड़ कम हो गई है और कोरोना के खतरे में अब सिर्फ अति आवश्यक मामलों पर ही सुनवाई हो रही है। सरकार के बाद अब हाईकोर्ट ने भी कोरोना के खिलाफ कमर कस ली है। हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सभी जिला और तहसील स्तर के न्यायालय परिसर के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसका असर लखनादौन तहसील कोर्ट में भी देखा। कोर्ट एडवाइजरी के अनुसार अर्जेंट केस एवं जमानती वारंट में ही सुनवाई की जाएगी, वो भी पक्षकारों की अनुपस्थिति में। साथ ही बायोमेट्रिक उपस्थिति को भी अदालत में बंद कर दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी परिसर के अंदर बंद रहेगी। साथ ही बार एसोसिएशन को परिसर को सैनिटाइज करने के साथ साफ सुथरा रखने के आदेश भी दिए गए हैं। कल माननीय न्यायालय पूरे माननीय न्यायालय कैंपस में सैनिटाइज का छिड़काव किया गया है और आज माननीय न्यायालय के दोनों गेटों को बंद कर दिया गया है, केवल अधिवक्ताओं को अंदर आने दिया गया है और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है। दवाई की छिड़काव किया गया पूरे न्यायालय के अंदर और बाहर भी। भोपाल के संत हिराराम नगर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दुकान दुकान जाकर निःशुल्क मास्क वितरण किए और लोगों से की अपील, हाथ न मिलाएं, अब नमस्कार करें। कोरोना वायरस को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक सकारात्मक पहल शुरू की, जिसके तहत लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया जा रहा है कि साबुन से बार बार हाथ धोए, हाथ न मिलाकर एक दूसरे से नमस्कार करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, कहीं बाहर ना जाएं, जरूरी है तो ही यात्रा करें वरना सुरक्षित घर पर ही रहें और मास्क का उपयोग करें। भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष हरीश बनवानी ने कहा कि कोरोना वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा संतनगर मंडल द्वारा पूरे संतनगर में दुकान दुकान जाके, सुबह हॉस्पिटल जाके, रोड पे जो भी लोग मिल रहे हैं उनको मास्क फ्री दिया जा रहा है। मोदी जी की पहल को हम आगे बढ़ाते हुए पूरे संतनगर में आज रात्रि 8 बजे तक मास्क फ्री बांटेंगे। उसका मुख्य कारण ये भी है, कुछ मेडिकलों पे कालाबाजारी की जा रही है, जो मास्क 50-50, 100-100 रुपए में बेचा जा रहा है। और संतनगर में किसी को भी मास्क चाहिए तो बस स्टैंड स्थित जानवी फैशन पे आके संपर्क करें और वहां से फ्री मास्क लेके जाए। समय एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। लाइफ इज अबाउट टू चेंज, नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो? रियली? डैडी बने हो, देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लय खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा।
वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीधी में लोकायुक्त टीम ने बैंक प्रबंधक प्रेमधारी सिंह चौहान के दो आवासों पर एक साथ छापा मारा। चौहान बेहिसाब संपत्ति के मालिक बताए जा रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस काफी दिन से इनके यहाँ कार्यवाही करने के लिए योजना बना रही थी। लोकायुक्त पुलिस ने निरीक्षक परमेंद्र सिंह, अनूप सिंह, DSP मरावी के नेतृत्व में एक टीम ने बैंक मैनेजर प्रेमधारी सिंह चौहान के आवास में पहुंचकर छापामार कार्रवाई की। अर्जुन नगर आवास में पहले छापामार कार्रवाई की गई, जबकि दूसरी टीम ने उनके नोडिया स्थित दूसरे आवास पर कार्रवाई की। DSP BK पटेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर प्रेमधारी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत 2018 में की गई थी, जिस पर जांच चल रही थी। प्रारंभिक जांच में उनके पास बड़ी संपत्ति होने का पता चला। छिंदवाड़ा में भाजपा ने कमलनाथ सरकार गिरने के बाद जश्न मनाया और बधाई दी। भाजपा ने कहा कि कमलनाथ सरकार की हार का कारण उनकी सत्ता को लेकर घमंड था। छिंदवाड़ा के परासिया में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और पटाखे फोड़े। मौका था कमलनाथ सरकार के सत्ता से जाने का। पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया ने कहा कि कमलनाथ के घमंड ने सत्ता से उनको दूर किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस अपने ही व्यक्ति से हार गई क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र सरकार की विचारधारा सही नहीं लगी। इसी कारण सभी बागी नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और भाजपा का साथ दिया। कांग्रेस खुद अपने ही लोगों के कारण सरकार से बाहर हुई है। ज्योतिराज सिंधे, जिनके समर्थक 22 विधायकों ने एक अपनी कसम खा के उन्होंने जो बेंगलुरु पलायन किया और वहां जाकर उन्होंने जो इस्तीफे सौंपे, उनसे भी ड्रामा करते हुए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और देश के नेताओं की रणनीति को, उनके कुशल नेतृत्व को, मोदी अमित शाह के नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय JP नड्डा के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कुशल रणनीति के कारण ही आज मध्यप्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस होने जा रही है। पिछले 15 सालों में हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान ने तो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, बेटियों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए जो योजनाएं बनाई थी, एक एक करके कमलनाथ की सरकार उन योजनाओं को बंद कर दिया। रीवा में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गांजा तस्कर डीजल टैंकर के अंदर गांजा छिपाकर तस्करी कर रहा था। पुलिस ने तस्कर के पास से 2 क्विंटल गांजा बरामद किया है। रीवा में डीजल टैंकर के अंदर गांजा छिपाकर गांजा की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने जांच के दौरान करीब 2 क्विंटल गांजा डीजल टैंकर के अंदर से बरामद किया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो पता चला कि गांजा छत्तीसगढ़ से मिर्जापुर ले जाया जा रहा था। तस्करों ने बताया कि गांजे को सीधी और शहडोल होते हुए ले जाना था। गौरतलब है कि गांजा तस्करी की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने तत्काल हनुमान पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद घेराबंदी कर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गांजा तस्कर बिहार और देहरादून के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कल हमें करीब 11 बजे SP साहब के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक जो इंडियन ऑयल का टैंकर है वो पिपराई घाटी की ओर जा रहा है और इसमें गांजे की संभावना हमने बताई, तो इसके माध्यम से हमने पुलिस टीम को बनाया और उसके साथ उसको रवाना किया। तो रवाना करने पर, तस्दीक करने पर पाया कि उसमें 37 पैकेट जो थे वो गांजे के मिले, जिनका कुल वजन 203 किलोग्राम था। ये घटना पिपराई से जो जरकुड़ के लिए जाते हैं उस रोड पर एक आदिवासी छात्रावास है, उसके सामने उन्होंने उस ट्रक को पकड़ लिया था। पखांजुर में धान खरीदी बंद होने से नाराज किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और बचे हुए किसानों की धान खरीदी करने की अपील की। धर्मपुर फर्मे किसानों ने तहसीलदार को धान खरीदी के लिए ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि धर्मपुर में लगभग 90 किसानों को पंजीयन के आधार पर टोकन मिला था। धान फड़ में बारदाना कम होने से कारण धान खरीदी बंद कर दी गई थी। सरकार द्वारा की गई धान खरीदी में कुछ ही किसानों की धान खरीदी की गई। अब मौसम खराब होने के कारण किसानों की धान बर्बाद हो रही है। किसानों का कहना है कि धान फसल से ही उसकी रोजी रोटी चलती है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर धान खरीदी नहीं की गई तो वे धान को आग के हवाले कर देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। लाइफ इज अबाउट टू चेंज, नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज,
नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो रियली डैडी बने हो, देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियां हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्टार्टअप का सपना, एक घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।